सो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर थर्टीन द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्ले टू योर स्ट्रेंथ विच मीन्स टू गिव योर इफ़र्ट्स एंड अटेंशन टू दैट पर्टूलर थिंग और पर्टूलर वर्क इन विच यू आर इंटरेस्ट एंड इन विच यू आर गुड सो इट मीन्स कि आप उस चीज़ के लिए अपना अटेंशन और इफ़र्ट्स दीजिए जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो और जिस चीज़ में आप अच्छा कर सकते हो हैव यू एवर थाट अबाउट वॉट यू आर गुड एट एंड हाउ मच बेटर यू कैन गेट एट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या आपने कभी भी सोचा है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और उस चीज़ में उस एक्टिविटी को करने पर आपको क्या मिल सकता है और अच्छे से क्या आप प्राप्त कर सकते हो और अच्छी क्या चीज़ आपको मिल सकती हैं और डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग दैट इज़ नॉट रियली सूटेड फॉर यू क्या आप कभी कुछ ऐसा करना चाहोगे जो कि आप पे बिल्कुल सूट नहीं करता है बिल्कुल आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है सो इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट अ पर्सन हुज नेम इज माइकल जॉर्डन सो ही हैड डन सम वर्क अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड ही डिड समथिंग विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिज इंटरेस्ट सो

एट अदर थिंग्स एंड फाउंड दैम अनसुटेबल फॉर हिज स्किल सेट लेकिन तब भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी अदर फील्ड्स में भी ट्राई uh, किया था जो कि इनके इनके स्किल के अकॉर्डिंग नहीं थी कम्प्लीटली डिफरेंट थी जो इनके स्किल पर इनके जो टैलेंट था उस पर सूट नहीं करती थी ही इस्टार्टेड हिज प्रोफेशनल बास्केटबॉल करियर इन नाइनटीन एटी फोर एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन इन्होंने अपना प्रोफेशनल बास्केटबॉल करियर 1984 में स्टार्ट स्टार्ट किया था जब इनकी एज 21 इयर्स थी आफ्टर अ फ्यू इयर्स ही लेड द शिकागो बुल्स टू थ्री कॉन्सिक्यूटिव एन बी ए 1991 शिप्स फ्राम टू इन्होंने लगातार एन बी ए चैम्पियनशिप के लिए शिकागो बुल्स को लीड किया था 1991 से 1993 में एट द एंड ऑफ द नाइनटीन नाइन्टी थ्री सीजन ही डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम बास्केटबॉल नाइनटीन नाइन्टी थ्री का जब सीजन था वो एंड हो रहा था तब इन्होंने uh, उसके एंड में ये डिसाइड ही किया कि ये बास्केटबॉल से रिटायरमेंट ले लेंगे नो वन न्यू वॉट ही वुड डू नेक्स्ट किसी को नहीं पता था कि वो आगे क्या करेंगे ही टुक द वर्ल्ड बाई स्टोम एंड ट्राई टू परस्यू अ करियर इन प्रोफेशनल बेसबॉल ठीक है टेक बाय स्टोम का मतलब होता है क्विकली बिकम वेरी सक्सेसफुल ओके तो आ, इन्होंने फिर ये बहुत ही ज़्यादा इसमें फेमस हो गए और इन्होंने अपना बेसबॉल करियर स्टार्ट किया ये प्रोफेशनली बेसबॉल खेलने लगे ही जॉइंट अ माइनर लीग विच वॉज अफिलिएटेड टू द शिकागो वाइट सॉक्स इन द ईयर नाइनटीन नाइन्टी फोर फिर इन्होंने क्या किया इन्होंने माइनर लीग ज्वाइन कर ली जिसका अफिलिएशन था शिकागो वाइट सॉक्स से और यह हुआ 1994 में ही डिड दिस इन ऑनर ऑफ़ हिज लेट फादर हु हैड रिसेंटली पास्ड अवे एट द टाइम इनके इनके जो फादर थे उनकी रिसेंटली उस टाइम पे डेथ हुई थी तो इन्होंने अपने लेट फादर जो थे इनके उनके ऑनर में इन्होंने बेसबॉल खेलना स्टार्ट किया था क्यों किया था ओके okay. हिज डैड ऑलवेज वॉन्टेड हिज सन टू प्ले बेस बॉल प्रोफेशनली इनके जो डैड थे वो हमेशा चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो प्रोफेशनली बेस बॉल खेले जॉर्डन प्लेड ओनली वन सीजन ऑफ बेस बॉल फॉर द बर्मिंगम बरॉन्स जॉर्डन ने सिर्फ एक ही सीजन खेला था बेस बॉल का जो कि बर्मिंगम बैरन्स के लिए था डैट वॉज हिज वन एंड ओनली स्टिट एट दैट लेवल स्टेंट uh, का मतलब होता है दैट पर्टिकुलर टाइम तो इस लेवल पे इन्होंने वही एक सिर्फ पर्टिकुलर uh, टाइम था जब इन्होंने इस लेवल पे खेला था देयर वॉज नो हेजिटेशन एज ही रिटर्न टू बास्केट बॉल इन नाइनटीन फिर क्या हुआ फिर नाइनटीन में ये वापस से बास्केट खेलना स्टार्ट कर दिए बास्केटबॉल की तरफ लौट आए और इन्हें इसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी ही री जॉइन द शिकागो बुल्स एंड वन थ्री मोर एन बी ए टाइटल्स कंसिक्यूटिवली कंसिक्यूटिवली का मतलब होता है कंटिन्यूसली ओके okay? तो वापस से इन्होंने शिकागो बुल्स ज्वाइन किया और फिर से इन्हें लगातार तीन एन टाइटल इन्होंने जीते और ये कब हुआ ये नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स टू नाइनटीन एट नाइन्टी एट सीजन्स में हुआ मतलब नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स से नाइन्टीन नाइन्टी एट वाला जो सीजन था उसमें हुआ हैविंग फेल्ड दैट ही हैड डन इट ऑल ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम इन 1999 वंस अगेन uh, जब इन्हें लगा कि इन इन्हें जो करना था वो इन्होंने कर लिया है uh, तो फिर क्या हुआ इन्होंने 1999 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया एक बार फिर से जॉर्डन इवेंट ट्राइड हिज हैंड एट एक्टिंग इन द मिडसेट ऑफ ऑल ऑफ दिस इन सब के बीच में जॉर्डन ने uh, अपना अपना हाथ ट्राई किया मतलब अपना करियर uh, ट्राई किया एक्टिंग के फील्ड में भी ठीक है ही फीचर्ड एज हिमसेल्फ इन एन एनीमेटेड किड्स मूवी कॉल्ड स्पेस जैम इन्होंने एक एनीमेटेड किड्स मूवी थी जिसका नाम था स्पेस जैम वेयर ही वॉज अ कोर स्टार विद द फेमस लूनी ट्यून्स जहाँ पे ये इन्होंने लूनी ट्यून्स के साथ काम किया जो इनकी कोर स्टार थी हिज एक्टिंग करियर वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल इनका एक्टिंग करियर जो था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था बट ही हैज़ गॉन ऑन टू मेक अ फ्यू गेस्ट अपेयरेंसेज इन समेलीविजन शोज लेकिन बहुत सारे टेलीविजन शोज में इन्होंने गेस्ट अपेयरेंस दिया था जॉर्डन फाउंड अ वे बैक इन टू द एन बी एस सर्किट इन टू थाउजेंड नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ पार्ट ओनर एंड प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल ऑपरेशन फॉर द वॉशिंगटन विजार्ट जॉर्डन क्या हुआ फिर 2000 में जॉर्डन को फिर से एक तरीका मिल गया फिर से एक रास्ता मिल गया एन सर्किट को वापस से ज्वाइन करने का बट नॉट एज अ प्लेयर एक प्लेयर के तरीके तरह नहीं बट एज अ पार्ट ओनर एंड प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल बॉल ऑपरेशन फॉर द वॉशिंगटन विजार्ट वॉशिंगटन विजार्ट का जो बास्केटबॉल ऑपरेशन था उसका एज अ प्रेसिडेंट एंड अ पार्ट ओनर नॉट कम्प्लीट ओनर एज अ पार्ट ओनर और एंड एज अ प्रेसिडेंट इन्होंने Um, उसमें काम करना स्टार्ट किया आफ्टर अ ईयर सो ही फेल दैट हिज टाइम एज अ प्लेयर वॉज नॉट ओवर कुछ समय uh, के बाद कुछ ईयर्स के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि अभी इनका जो टाइम था एज अ प्लेयर वो खत्म नहीं हुआ है ही मेड अनदर comeback and एंड रिप्रेजेंटेड द वॉशिंगटन रिजाल्ट फ्राम 2001 थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड इन्होंने वापस से कम बैक किया और टू थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड थ्री में uh, इन्होंने फिर से एक बार वॉशिंग uh, वॉशिंगटन विजार्ड को रिप्रजेंट किया ही मेड हिज़ फाइनल रिटायरमेंट एट द एज ऑफ फोर्टी इन टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड थ्री में जब इनकी एज फोटी ईयर्स थी तब इन्होंने अपना फाइनल रिटायरमेंट लिया ऑल्दो ही एक्सपेक्टेड टू रीगेन हिज़ ऑफ फील्ड पोस्ट फॉर द विजार्ट ही डिड नॉट डू सो जबकि ये चाहते थे कि इन्हें uh, जो ऑफ फील्ड पोस्ट होती है विजार्ट की वो इन्हें मिले लेकिन ऐसा नहीं हुआ सो ही स्पेंड समाइम अवे फ्रॉम बास्केटबॉल आफ्टर हिज फाइनल रिटायरमेंट फाइनल फाइनल रिटायरमेंट लेने के थोड़े समय तक ये बास्केटबॉल से दूर रहे ही प्लेट ऑफ फ्यू चैरिटी गोल्फ मैचेस एक्सपेंडेड द जॉर्डन क्लॉथिंग ब्रांड इन्वेस्टेड इन माइकल जॉर्डन मोटर स्पोर्ट्स एंड डेड अ लॉर्ड ऑफ चैरिटी वर्क इस जनरेशन में क्या किया इन्होंने इन्होंने बहुत सारे चैरिटी गल्फ मैचेस थे वो उन्होंने खेले ठीक है और अपने इनका जो एक जॉर्डन क्लोथिंग ब्रांड था उसको बढ़ाने की कोशिश की और इन्होंने माइकल जॉर्डन मोटर स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्ट किया और बहुत सारे इन्होंने चैरिटी वर्क भी किए हाउ एवर ही कुड नॉट स्टे अवे फॉर टू लॉन्ग इन टू थाउजेंड सिक्स बहुत समय तक कि बास्केटबॉल से दूर नहीं रह पाए तो इन 2006 थाउजेंड ही कुड नॉट स्टे अवे फॉर टू लॉन्ग इन 2006 ही परचेज अ माइनॉरिटी स्टेक ऑफ द चैरलोट बॉबकास्ट नाउ चैरलोट हॉर्नेट्स इन द एनडीएनबीए एंड सर्व्ड एज अ मैनेजिंग मेंबर ऑफ बास्केटबॉल ऑपरेशंस As, हुआ क्या कि ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम टू लॉन्ग बहुत समय तक कि बास्केटबॉल से दूर नहीं रह पाए तो इन 2006 थाउजेंड सिक्स ही परचेज अ माइनॉरिटी स्टेक ऑफ द चैरलोट बॉब कैट्स नाउ चैरलोट हॉर्नेट्स इन द एन बी एन बी ए का जो चैरलोट बॉब कैट्स था उसका एक इन्होंने माइनॉरिटी स्टेक जो था उसको परचेज कर लिया और एज अ मैनेजिंग मेम्बर ऑफ बास्केटबॉल ऑपरेशन बास्केटबॉल ऑपरेशन के मैनेजिंग मेंबर के तौर पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया बाय द ईयर 2010 ही अटेंड मेजॉरिटी ओनरशिप ऑफ द टीम 2010 में क्या हुआ इन्हें मेजोरिटी ओनरशिप मिल गई पूरी टीम की टू दिस डे ही इज़ द ओनर ऑफ द चैरलोट हॉर्नेट्स एंड कंटिन्यूज टू बी इन्वॉल्व विद बास्केट तो इस दिन से क्या हुआ ये चैरलोट हॉर्नेट्स के ओनर uh, बन गए और इन्होंने ये लगातार इन्वॉल्व रहे बास्केटबॉल में बास्केटबॉल यानी कि द स्पोर्ट विच इज़ हिज स्ट्रेंथ एंड इन विच ही वॉज डिस्टिंग फॉर ग्रेटनेस बास्केटबॉल वो गेम है जो कि जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे जो इनकी ताकत थी जिन जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना एफर्ट uh, डाला और बहुत ही अच्छा इन्हें रिजल्ट भी मिला जॉर्डन फिनिश्ड हिज करियर एज द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर इन एन बी ए हिस्ट्री एंड ऑल्सो हैज़ टू ओलंपिक गोल्ड मेडल्स टू हिज नेम अच्छा डेकोरेटेड प्लेयर का मतलब होता है कि वो सारे प्लेयर जिन्हें बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी ट्रॉफीज बहुत सारे प्राइज मिले हों सो जॉर्डन ने जो अपना करियर था uh, बास्केटबॉल का वो uh, एक डेकोरेटेड uh, प्लेयर के तौर पर ख़त्म किया और इन्हें ओलंपिक में भी दो गोल्ड मेडल्स मिले हैं हैड ही है नॉट स्टक टू स्ट्रेंथ ही वुड नॉट हैव बिन द स्पोर्टिंग पर्सनालिटी दैट ही इज़ टुडे अगर ये अपने अपने इंटरेस्ट अपनी ताकत अपना इनका जो था जिसमें ये अच्छा कर सकते थे जो इन्हें पता चला अगर ये उस चीज़ के लिए ना इन्वॉल्व हुए होते उस चीज़ के लिए आगे ना बढ़े हुए होते उस चीज़ में अपना हंड्रेड परसेंट ना देते तो क्या ये आज ये ऐसी स्पोर्ट स्पोर्टिंग पर्सनालिटी बनते जैसे कि आज ये हैं कभी नहीं ही वुड नॉट हैव बीन द स्पोर्टिंग पर्सनालिटी दैट ही इज टुडे वो ऐसी पर्सनालिटी ना बनते जो कि ये आज हैं इट इज़ नाइस टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स बट नॉट एवरी थिंग इज फॉर एवरी वन ये अच्छा है कि डिफरेंट थिंग्स ट्राई करनी चाहिए पर हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती वी मस्ट रियलाइज वॉट वी आर गुड एट एंड प्ले टू आवर स्ट्रेंथ्स हम लोगों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम लोग किस चीज़ में अच्छे हैं हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं और प्ले टू आवर स्ट्रेंथ हमें वही करना चाहिए जिस चीज़ में हम अच्छे हैं हमें अपना एफर्ट्स अपना टेंशन उसी चीज़ में लगाना चाहिए जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं सो दिस वॉज द चैप्टर थैंक यू सो मच